हे गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रेविंग्स में। तो आज मैं आपके लिए एक क्विक स्टार्टर की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है हनी चिली पटैटो। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, स्पेशली मुझे भी बहुत पसंद है। और इवन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हनी चिली पटैटो ही ऑर्डर करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको हम ईजी वे में, बरसात का मौसम भी है और खाने में तो मज़ा आ ही जाएगा, तो ये हम बनाएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें इसके लिए? आलू। तो मैंने यहाँ पे चार थोड़े बड़े बड़े आलू लिए हैं, क्योंकि हम इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, धो लेंगे और फिर एक पीलर की हेल्प से इसका छिलका उतार लेंगे। जब भी आप इस तरीके की चीज़ें लेना तो देख लीजिए कि आलू की जो साइज़ है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, और अगर कहीं से थोड़ा सा काला या कहीं से ऐसे कोई स्पॉट वगैरह दिखता है तो आप उसको क्लीन कर दीजिए। मैंने ऊपर नीचे से थोड़ा सा काट लिया, क्योंकि अगर हम उसको खड़ा करके काटते हैं ना तो आलू जो आपका है वो स्लिप नहीं करता। तो इस तरीके से हम इसको लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लेंगे और एक बोल में पानी भर के इसमें डाल देंगे। उससे क्या होता है कि जो आलू होते हैं ना वो काले नहीं पड़ते हैं और जिसका स्टार्च है वो भी निकल जाता है। और अब क्या करेंगे, एक बाउल में पानी लेंगे। पानी जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाए तो हम उसमें जो अपने पोटैटोज़ हैं वो डाल देंगे। पानी में हमने थोड़ा नमक भी डाला था और 5 मिनट तक हमने इसे बॉईल किया था मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर से इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और अब क्या करना है, इसे एक बाउल में डालना है और इसके ऊपर डालेंगे हम 2 चम्मच के करीब मैदा, सूखा मैदा डाला है। और 2 चम्मच हम यहाँ पे डाल रही हूँ चावल का आटा। अगर आप चावल का आटा है आपके पास तो आप वो डालिए, अगर चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। और साथ ही 1-1 चम्मच हमने काली मिर्च और नमक डाला है। अब क्या करना है कि इसे हम ना इस तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, क्योंकि अगर हाथ से करते हैं ना तो वो टूट जाता है। और उसके बाद एक दूसरा बोल लेंगे, उसमें भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा चावल का आटा वो डालेंगे, नमक डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं पड़ते हैं। और इसे हम घोल के ना पानी से घोलेंगे और इसकी एक स्लरी टाइप की बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी है, इतनी बनानी है कि जो हमारे पोटैटो की जो पीसेज है ना उनके ऊपर स्टिक हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हम इसको घोलते हैं और जितना रिक्वायरमेंट हो पानी आप डालिए, बीच में कोई लम्स नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए साइड में हमने क्या किया है, तेल भी गरम कर दिया है। और ये देखिए इस तरीके से एक आलू को लीजिए, उस जो घोल हमने बनाया था उसमें डिप करिए और फ्राई कीजिए, जैसे पकौड़े का डिप करते हैं ना, बस वैसे वैसे करना है। बहुत ही इजी स्टेप है और बस पलटते हुए इसे पका लेंगे और जैसे ये गोल्डन क्रिस्प हो जाए हम इसको निकाल लेंगे। और अब तैयारी करते हैं इसके तड़के की। उसके लिए एक पैन में मैंने तेल गरम किया है, 1 बड़ा चम्मच तेल लिया था और 4 से 5 कलियां लहसुन की डाल दी थी। हरी मिर्च भी डाल देंगे क्योंकि हनी चिली है तो चिली तो जाएगी जाएगी। और 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 1 शिमला मिर्च मैंने लंबी लंबी काट ली थी, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको शिमला मिर्च नहीं पसंद है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1 बड़ी चम्मच यहाँ पे मैंने तिल लिया था, उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। और सॉस डालेंगे हम सोया सॉस 1 चम्मच, चिली सॉस 1 चम्मच। यहाँ पे आप शेजवान सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो चिली थोड़ी सी अवॉइड करिए। और थोड़ा सा मैंने डाला था यहाँ पे टमाटो केचप, हल्का सा मीठा सा फ्लेवर देने के लिए। और 1 से 2 चम्मच के करीब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अगर जो सॉस है वो जले ना। अब इसके अंदर जाएगा हनी, 1 चम्मच हनी डाला और बस पोटैटोज जो थे आपके इसके अंदर डालिए, इसको मिक्स करिए। और ये देखिए आपके एकदम यमी से हनी चिली पोटैटो बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही क्रिस्प एंड टेस्टी। आप इसे सर्व कीजिए, बच्चों के टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं, जब मन चाहे आप इसे बनाइए। और जब भी आप इसको सर्व करें ना तो ऊपर से आप थोड़े से रोस्टेड सेसमे सीड्स यानी सफ़ेद तिल के दाने वो डाल दीजिए और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए, स्वाद और अपीयरेंस इसकी 2 गुना बढ़ जाएगी। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बने रहिए हर रोज़ मेरे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। Till then, thank you for watching.